जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दंश से जूझ रही है, तो अब आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे की मदद के लिए लोग आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस आपदा के समय में भी अपनी अंडकता से बाज नहीं आ रहे। यूं तो पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, लोगों को घरों से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं है। साथ ही शासन प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र के रतनपुरा सुमाली गांव में घर के पीछे बने प्लांट में इकट्ठा कुछ लोगों के बैठने को लेकर एक पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्ष लड़ाई को आमादा हो गए। दोनों पक्षों में इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई और जान से मारने के नियत से फायरिंग भी की गई। इस पूरी घटना का वीडियो अब क्षेत्र में वायरल हो रहा है। फाजिल फाजिल जल्दी लगाओ, फोन कर बंदूक लगाओ, बंदूक जल्दी। यहाँ पर दो पक्ष हैं, एक पक्ष अमीर अहमद का और दूसरा पक्ष है इश्तकार का। इनमें पहले से ही अपनी प्रधानी और विभिन्न मामलों को लेकर रंजिश चली हुई है, जिनमें से दोनों लोग जनवरी से 50,000 से ये बाउंड डाउन है और इनके मुचलके भरे हुई हैं, लेकिन इनके उसी घटनाक्रम को लेकर आज इन्होंने आपस में झगड़ा किया और फायरिंग भी की है, जिसके संबंध में मुकदमा लिखा गया है और जिस असलाह से इन्होंने फायरिंग की है असलाह भी बरामद हो चुके हैं और जो अपराध में लिप्त थे लोग उसमें 14 लोग की अरेस्टिंग हो चुकी है। सभी के खिलाफ कार्रवाई करके, कठोर कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है और गांव में फोर्स तैनात कर दिया गया, सर्च भी कर लिया गया है। फिलहाल वहां पूरी स्थिति नियंत्रण में है और हमारा पुलिस बल वहां तैनात है और सभी को लिखा पढ़ी करके शीघ्र इनके साथ कठोर कार्रवाई। कितने लोग हिरासत में सर? अभी हमारे पास 14 लोग हिरासत में हैं, दोनों पक्षों के, जिनके द्वारा अपराध पारित किया गया उनको जेल भेज रहे हैं। घायल कितने हैं सर? घायल दो लोग घायल हैं जिनको मेडिकल उपचार के लिए भेज दिया गया। फायरिंग वाली वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें गलत संदेश? हाँ, सुना है कि इसकी वीडियो वायरल हुई है, मगर उस संबंध में मुकदमा लिखा जा चुका और कार्रवाई चल रही है और पूरी तरह से वहाँ स्थिति नियंत्रण में। ठीक है सर।